अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। एक ही आदमी है जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है, करण सिंह डोगरा। मैं रहूं या ना रहूं, हिंदुस्तान सर आदमी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। There will be a civil war. हमारी टीम में इंडिया से होंगी भावना रेड्डी। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मल्लिका सूद। ये दो आंखें और आवाज के अलावा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले, उन ऑफिसर्स को ढूंढो और खत्म कर दो। अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इस बार मातम इंडिया ने घंटों में मैं यहां से निकलूंगा सही सलामत। एंड यू गॉट टू शिट अबाउट इट। तेरे ही देश के बदनसीब मुसलमान तेरे ही देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क का मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है और उसे लड़ना भी चाहिए, पर वो कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये मेरा यकीन। पहले पर्दों में छुपा करता था, जल्द कब्र में छुपेगा तू। बचा सकता है तू खुद को तो बचा ले। I will have you shot down! औरंगजेब कश्मीर, विक्रम पत्रा कारगिल, नेक्स्ट करण सिंह डोगरा लंदन। मतलब इंडिया ने भेज दिया एक और हीरो टाइप एजेंट। हमारे यहाँ का हर सिपाही हीरो लगता है। काफी जज्बाती हो। सिर्फ भारतवादी। क्या डायलॉग मारे।